हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी और वेरी इजी मिक्स वेजिटेबल का परोठा। अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑनियन को बारीक ग्रेट करके लिया हुआ है। फिर हम लेने वाले हैं कैरेट, जिसको हमने बारीक करके लिया हुआ है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है पत्ता गोभी, इसको भी हम बारीक ग्रेट करके लेने वाले हैं। ये है शिमला मिर्च, और यहाँ पे हमने लिया है पोटैटो को बॉईल करके मैश करके लिया है। फिर यहाँ पे हमको लगने वाला है गोभी, जो फुल गोभी रहता है वो, और कोरिएंडर। अभी हम मसाले क्या क्या लगने वाले हैं वो देखेंगे। यहाँ पे है टर्मरिक, ये है गरम मसाला। फिर हम लेने वाले हैं यहाँ पे जीरा। फिर हमने यहाँ पे लिया है चाट मसाला, ये है सॉल्ट। यहाँ पे लिया है कोरिएंडर पाउडर, और यहाँ पे है जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। ये है रेड चिली पाउडर, और ये मसाले वाला रेड चिली पाउडर। और यहाँ पे हम लेने वाले हैं बटर, और यहाँ पे लेंगे ऑयल। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक बर्तन, और वह गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे बटर, और उसको भी हम अच्छे से मेल्ट करके लेने वाले हैं। फिर इसमें हम डालेंगे जीरा, इसको भी भून के लेंगे। और जीरा भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे ऑनियन, जो हमने बारीक चॉप करके लिया हुआ है वो, और ये इसको हम अच्छे से इसमें भून के लेने वाले हैं। फिर इसमें हम सबसे पहले डालेंगे फुल गोभी, जो हमने बारीक उसको ग्रेट करके लिया हुआ है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम इसको सबसे पहले इसमें भूनने वाले हैं। फिर ये भून जाने के बाद इसमें हम डालेंगे कैरेट। कैरेट को भी अच्छे से भून के लेने वाले हैं। इसको भी थोड़ा सा भूनने के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अभी इसको भी हम अच्छे से सॉटे करके लेने वाले हैं। ये अच्छे से सॉटे हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे पत्ता गोभी, और इसको भी हम अच्छे से अभी मिक्स करके लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्ची, इसको भी हम मिक्स करके लेंगे। अभी हमारे सारे वेजिटेबल्स सॉटे हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे मसाले, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वही हम सारे मसाले इसमें ऐड करने वाले हैं, और इसको भी हम सारे वेजिटेबल्स के साथ सॉटे करके लेने वाले हैं। अभी यहाँ पे लास्ट में हम डालेंगे जो बॉईल किया हुआ और मैश किया हुआ हमारा पोटैटो है, और इसको भी हम अच्छे से अभी सारी वेजिटेबल्स और मसालों के साथ मिक्स करके लेंगे। अभी ये अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर, और इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स करके लेंगे। अभी यहाँ पे हमारी मिक्स वेजिटेबल परोठे की फिलिंग पूरी तरह से रेडी हो गई है। आप इस फिलिंग को डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज़ करके भी बना सकते हो। और यहाँ पे जो परोठा हम बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया हुआ है, और इसको हमने अच्छे से गूंद के लिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे मैदे का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अभी इस गूंदे हुए आटे से हम छोटे छोटे गोले बना के लेने वाले हैं, और उसको हम सूखा आटा लगा के ऐसे पूरी तरह से चपाती के जैसे हम बेल के लेने वाले हैं। और इसको बेलते वक्त ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसको परोठे के जैसे ही थोड़ा सा मीडियम साइज में ही रखना है। अभी ये अच्छे से बेल के हो जाने के बाद इसमें हम जो हमने वेजिटेबल्स की स्टफिंग बनाई थी उसको हम फैला के लेने वाले हैं, और उसको हम ऐसे पॉकेट के जैसे चारों साइड से कवर करके लेने वाले हैं। अभी हमारा यहाँ पे परोठे का पॉकेट बन जाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा, और इसको हम हल्के हाथों से बेलने वाले हैं। अगर आप इसको ज़ोर से बेलेंगे तो सारी स्टफिंग बाहर आ सकती है, इसीलिए हम इसको हल्के हाथों से ही बेल के लेने वाले हैं। अभी हमारा ये बेल के हो जाने के बाद हम लेंगे एक पैन, और उसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अभी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमारा जो पराठा हमने बेल के लिया हुआ है उसको हम डालेंगे पैन में। अभी एक साइड से अच्छे से हमारा जो परोठा है पकने के बाद इसको हम करेंगे पलटी, और दूसरे साइड से भी इसको हम अच्छे से पका के लेने वाले हैं। और दूसरे साइड से भी अच्छे से इसका गोल्डन कलर आ जाने के बाद इसको हम कर देंगे पलटी। अभी हमारा जो परोठा है वो रेडी हो जाने के बाद इसको हम प्लेट में निकालेंगे, और उसके ऊपर हम डालेंगे बटर। आप देख सकते हो वेजिटेबल की फिलिंग परोठे में कितने अच्छे से स्टफ हुई है। इस पराठा को आप दही के साथ या फिर अचार के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये एक हेल्दी ऑप्शन है सारे वेजिटेबल्स बच्चों को खाने को देने के लिए। और आपको भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।